ससुराल में जितना कम जाओगे उतना ही सम्मान ज्यादा पाओगे। कई लोग तो इतने शौकीन होते हैं ससुराल के कि आए दिन ससुराल में ही पड़े रहते हैं। एक व्यक्ति, अच्छा ससुराल में आओ भगत बहुत होती है, बड़ी तीन तीन प्रकार की, चार चार प्रकार की सब्जी, फिर हलवा, फिर पूड़ी, और महाराज खीर और कचौड़ी, और महाराज रसमलाई और ढोकला और थापड़ा और फापड़ा, न जाने क्या क्या खाना पड़ता है। और वो अच्छा, कई लोग ससुराल के शौकीन होते हैं। गांव का एक आदमी हर तीसरे दिन ससुराल पहुंच जाए, हर तीसरे दिन ससुराल पहुंच जाए। घर में दो पैसे की वैल्यू नहीं थी, ससुराल में जीजा जी आ गए, साली अलग कहें, साला अलग कहें, जीजा जी आ गए, और फिर सासू माँ, ओ मेरे लाला जी आए, जमाई राजा आओ आओ, बड़े खुश, और बड़ी आओ भगत हो, महाराज चाय मिले तो खाट पे, भोजन मिले तो खाट पे, और खाट पे बढ़ गए ठाटवा के, चादर अलग बिछे, महाराज तकिया अलग, सब बिछा बिछाया मिले, बड़ा खुश हो। रोज तीसरे दिन पहुँच जाए वहाँ। एक महीना चला, दो महीना चला, तीन महीना चला, चार महीना में श्रद्धा पूरी सबकी। अब वो चौपांच में मैंने फिर पहुंच गया। अब सासू माँ बोली, ये तो रोज रोज का काम हो गया, झट वो मूर्छित होके गिर पड़ी। सासू माँ जमाई को देख के मूर्छित होके गिर पड़ी। साले साहब बोले, अरे अरे माता जी क्या हुआ, माता जी क्या हुआ। अरे बोले, हाँ माताजी को दे, मुझे बताया माताजी की तबीयत खराब है, तभी तो मैं माताजी को देखने आया हूँ। बोला सासू माँ मनी मन में बोली, तबीयत तो तुम्हें देख के खराब हुई, तुम्हें बताया किसने। लेकिन एक और रिवाज है गांव में, जमाई से पूछ लेते आज आप क्या खाएंगे, आपकी पसंद का बना दें। तो सासू माँ ने पूछा, लाला आप बताओ क्या खाओगे, आप जो कहो सो बना दें। जमाई को भी थोड़ी दया आ गई, हर तीसरे दिन आते ठीक नहीं, अपनी पसंद क्या बताएं। बोले माताजी जो आप बनाओ सो, जो आप बनाओगी सो खा लेंगे। तो वो सासू माँ को मौका मिल गया, बोले आज ऐसा बनाएंगे कि आज के बाद ये झांके ना आए। बोले मेरी तबीयत खराब है, सभी बच्चे कह रहे हैं खिचड़ी बना लो। जमाई बोला, ससुराल में खिचड़ी, पर अब तो प्राण जाए पर वचन न जाए, कह दिया जो आप बनाओ उसे। अरे माताजी आज आपके हाथ की खिचड़ी खाएंगे, कोई बात नहीं, आप खिचड़ी बना लो। खिचड़ी बना ली। अब माताजी को भी थोड़ी, सासू माँ को थोड़ा संकोच हुआ कि है तो जमाई, अब खिचड़ी खिलाना ठीक है बन गई है, पर सूखी खिचड़ी नहीं खिलानी चाहिए। तो उन्होंने खिचड़ी में घी डाल दिया। का डाल दिया? घी डाल दिया। और घी क्या, ये मुसीबत की पुड़िया हो गई। अच्छा, जिस समय ये जीजा जी भोजन करने बैठे उसी समय साले साहब भी आ गए। अच्छा आज का युग कलयुग का है, है? कलयुग में तो देखो भाई भाई की बने न बने, पर जीजा साले की खूब बनती है। सियाल को बुद्धिदायक का भागवत में आता है कि साले साहब से बिना सलाह लिए कोई काम नहीं करते। तो जी साले साहब आ गए, जीजा जी आ जी, हाँ आ जा जा, एक ही में खाएंगे, एक ही में खाएंगे। बैठे थे चूल्हे के पास, प्लेट थी एक, उसमें थी खिचड़ी, और खिचड़ी में पड़ा हुआ था घी, और घी की समस्या ये थी, जिधर था जमाई उधर था घी, और जिधर था बेटा उधर घी नहीं था। और ये देख देख के वो मम्मी का दिल जो है बैठा जा रहा था, मेरा बेटा सूखी खिचड़ी खाएगा, जमाई घी वाली खिचड़ी खाएगा। अब वो दिल बैठा ही जा रहा था। अब माताजी सोच रही थी कोई ऐसी युक्ति निकले जिस युक्ति से उधर का घी इधर शिफ्ट हो। अब युक्ति तो समझ में नहीं आई, अचानक से उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और कहने लगी, देखो जमाई राजा, तुमसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, अब की बार अगर बेटी आ गई, तुम्हारी मम्मी हमारी बेटी को चैन से जीने नहीं दे रही है, सूख के कांटा हो गई है कांटा। जब से तुम्हारे यहाँ गए, हमारे यहाँ थी तो कैसी एकदम हष्ट पुष्ट, ऐसे समझो जैसे महाराज बरगद को पेड़। अच्छा बरगद को? बोले हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सासू माँ कह रही थी, मतलब उनकी माँ कह रही थी एकदम हष्ट पुष्ट बढ़िया। बोले अब ऐसी होगी सूख के कांटा,
हमको बड़ा कष्ट, हमने कितना दिया, कितना सब ठीक हुआ, और तुम्हारी माँ हमारी बेटी से लड़ती रहती है। सुनो, हम बताए देती हैं, करके बताऊंगी। कैसे? तो उन्होंने अपनी उंगली खिचड़ी की प्लेट में गाड़ी। किसने? सासू माँ ने, खिचड़ी की प्लेट में, और कहने लगी, मैं तब तक अपनी बेटी को अब तुम्हारे यहां नहीं भेजूंगी जब तक तुम अपनी माँ से लाइन खींच दी, उंगली खींच दी। और जब उंगली खींची तो क्या हुआ? उधर का घी इधर आ गया। और तब तक नहीं भेजूंगी जब तक तुम अपनी माँ से अलग नहीं हो जाते। और जब घी इधर आ गया तो सासू माँ ने अपनी युक्ति थोड़ी चेंज, नहीं कोई बात नहीं है, अब घर में चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो सही, बर्तन खटक रहे हैं कोई बात नहीं है, पर अपनी माँ से कहो थोड़ा कम लड़ा करे। अच्छा, जमाई का ध्यान नहीं था बातों में, जमाई तो देख रहे थे घी गया, सिर्फ उनकी नजर थी घी पे, बोले ये घी गया। जमाई बोले, अरे एक तो खाई खिचड़ी और वो भी गया घी, अब तो समझ गए। जमाई भी जमाई थे, पहुंचे हुए थे, कलयुग के जमाई थे, उनको लगा अच्छा ये बात है। बोले माताजी आप क्या करें, मेरी माँ लड़ती है, जैसे आपने करके बताया ना वैसे ही बताऊंगा। उसने भी गाड़ दी खिचड़ी में उंगली, और उधने वो जमाई ने गाड़ी साले की तरफ, सासू माँ ने गाड़ी थी जमाई की तरफ, और जमाई ने गाड़ दी साले की तरफ। बोले जैसे आपने बताया ना, आपको यही भाषा समझ में आती होगी, ऐसे ही बताऊंगा इशारे से। सासू माँ बोली पता नहीं क्या करेगा अभी, है कहीं इधर का घी उधर न ले जाए सारा, यूं कह रहा है वैसे ही बताऊंगा। तो सासू माँ की सांसें तेज हो गई, नहीं नहीं मैं समझ गई, कुछ मत बताओ, बताऊंगा। नहीं बेटा मैं समझ गई, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं, पूरी बताऊंगा जैसे आपने बताई है। क्या कहीं मेरी माँ लड़ती है, जिस दिन से आपकी बेटी मेरे घर में गई है उसने भी उधरी गाड़ी घी की तरफ, जिस दिन से आपकी बेटी मेरे घर में गई है मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, मेरी माँ से पूछो, मेरे बाप से पूछो, आपकी बेटी न चैन से रहती है न रहने देती है, मेरे घर का तो गोविंदा है, नमो नमा कर दिया उसने, घुमा दी उंगली खिचड़ी में, और उंगली घुमा दी तो क्या हुआ, घी मिक्स हो गया। मानो जमाई कह रहे हो एक तो खिचड़ी खाई वो भी बिना घी के, अरे माताजी थोड़ा इनको भी खिला लो और थोड़ा हमें भी खा लेने दो। बोलो राधे राधे।